C7 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडा। CAA और NRC पर भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विभिन्न स्तर पर वैचारिक मतभेद हों, लेकिन मोदी की जनता कर्फ्यू की अपील का पूरे देश में अभूतपूर्व असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश का सागर भी जनता कर्फ्यू से अछूता नहीं है। सागर सुनसान है और शहरवासी जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग इस कर्फ्यू के लिए घर बैठे अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। कोरोना वायरस के विरोध में आम लोगों का ये अलर्ट ही है। आप देख सकते हैं ये विजुअल कि सागर शहर पूरा सुनसान है। कर्फ्यू जैसे हालात हैं, हर प्रमुख तिराहे चौराहे छोटे बड़े बाजार पूरी तरह बंद पड़े हैं। सिर्फ नजर आ रही है तो पुलिस, जो निरंतर घूमते हुए पुलिसिया रौब में नहीं बल्कि सहजता से जनता कर्फ्यू को सफलता की ओर ले जा रही है। इक्का दुक्का जो लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं उन्हें पुलिस घर वापस लौटने की समझाइश देने में लगी है। हम आपको यहां बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए जनता कर्फ्यू की अपील की थी। ये अपील पूरे देशवासियों को कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए थी। लोगों ने भी इस अपील को भरपूर स्वीकार किया है और आप देख सकते हैं पूरे शहर की जनता घरों में बैठ गई है और जनता कर्फ्यू में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जनता कर्फ्यू की अपील की गई है, इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। और यदि हमारे द्वारा हमारे घर में रहने से इस बीमारी को रोकथाम मिलती है तो इसमें सभी को, पूरे देश के हर नागरिक को इसमें आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक जो भी सुझाव है उनका अमल करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। साथ ही मैं अपील करना चाहूँगा, इस महामारी के खिलाफ जो भी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के सफाई कर्मचारी हैं, हमारे मीडिया बंधु हैं, उनके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आज शाम 5 बजे अपने अपने घरों की छत पर, गैलरी पर या दरवाजे पर खड़े होकर उनका भी हम मनोबल बढ़ाएं। आप सभी से अनुरोध है कि आज रविवार को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक अपना अपना कारोबार बंद रखें, अपने अपने घरों में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और प्रशासन का सहयोग करें। आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर डायल 100 या 108 पर संपर्क करें। जनता द्वारा जनता के लिए जनता कर्फ्यू में प्रशासन का सहयोग करें। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। साहिल होंडा में आपका स्वागत है। सागर शहर का सबसे बड़ा टू व्हीलर मोटरबाइक शोरूम आपकी सेवा में तत्पर। एक्सचेंज फैसिलिटी, होंडा शाइन, होंडा क्लिक, होंडा एक्टिवा, होंडा एक्स ब्लेड, पेमेंट कैश या बैंक फाइनेंस सुविधा के लिए चुने मनचाहा बैंक। इंश्योरेंस सर्विसेज, इजी पेपर वर्क और गाड़ी आप। अब आप चलाएं गाड़ी और हम रखेंगे आपकी गाड़ी का ख्याल। टाइम टू टाइम सर्विसिंग, रिमाइंडर फोन कॉल्स, मैसेजेस, ताकि आप साहिल होंडा से उपलब्ध सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। यानी आपकी गाड़ी की हर समस्या के समाधान के लिए हम तत्पर हैं। और इतना ही नहीं, आप इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आपके नजदीकी साहिल होंडा शोरूम सेंटर में। हमारे सेंटर हैं सागर, पुरई, बीना, कड़ाकोटा, बंडा, बांदरी, रहली, गौर झामर, देवरी, राहतगढ़, शाहगढ़, यानी पूरे मध्य प्रदेश में हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, क्योंकि हम हैं साहिल होंडा। साहिल होंडा, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। सागर श्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन,
24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। सागर श्री मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अधिकृत एकमात्र हॉस्पिटल। बीपीएल कार्ड धारकों का नियम अनुसार निःशुल्क इलाज एवं कैशलेस सुविधा। सागर श्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य सदैव आपकी सेवा में